भारत में सामाजिक शोध का विकास किस प्रकार हुआ? भारत में सामाजिक शोध एक नया विषय के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन देर से शुरू हुई। कुछ हद तक अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक शोध कराया जो कि वैज्ञानिक नहीं था। सामाजिक शोध को दो वर्गों में बांटा गया। पहला ब्रिटिश शासन काल में और दूसरा स्वतंत्र भारत में। ब्रिटिश शासन काल में शोध पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। कहा जाए तो सर्वेक्षण कुछ हद तक हुआ। ब्रिटिश शासन काल में भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से खोखला कर दिया गया, जिसके कारण सामाजिक शोध नहीं हो पाया। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो समाजशास्त्र का अध्ययन होने के कारण धीरे धीरे भारतवर्ष में शोध होता चला गया। कृषि के क्षेत्र में भी शोध हुआ, जिसका परिणाम आज देखने को मिलता है। कृषि में कुछ हद तक आधुनिकीकरण होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास हुआ। बड़े बड़े शहरों में उद्योग धंधों का विकास हुआ। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई और शोध की गई, जिसके कारण आज भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले से शिक्षा बेहतर हुई है, हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। आज भारतवर्ष में मेडिकल साइंसेज में भी विकास हुआ है, यह शोध का ही परिणाम है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज शोध कर रहे हैं और भारत को विकास की ओर ले जा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में शोध का कार्य चल रहा है, जिसके कारण भारत में जो पहले समस्या थी, देखा जा रहा है कि उस समस्या का निराकरण हो पा रहा है। इस तरह से भारतवर्ष में शोध चल रहा है और जिसके कारण समाज, संस्था और देश का विकास हो रहा है। धन्यवाद।